अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं ये वीकली शॉपिंग करके आई थी। तो फ्रेंड्स, मैं तो एक वीक ही ना पूरे वीक ही एक ही दफ़ा शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी होती है फ्राइडे वाले दिन, तो हम फ्राइडे वाले दिन शॉपिंग कर आते हैं। तो वैसे भी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कुवैत में ना फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुम्मा, ये मतलब ऑफ़र्स, अच्छी ऑफ़र्स होती हैं इन दिनों में ना, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, बाकी चीज़ों की भी अच्छी ऑफ़र्स होती हैं इन दिनों में। तो हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं दिनों में ना मतलब शॉपिंग करें। तो इन मार्केट में फ्रेंड्स, यहाँ पे जुमेरात जुम्मे को ऐसे होता है जैसे ईद नहीं है सुबह, ऐसे रश हुआ होता है, मतलब ऑफर्स भी लगी होती हैं तो बंदों को छुट्टी भी होती है, तो ऐसे रश होता है जैसे ईद का होता है ना। तो हम तो वीकली, मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में जो पकाना है, जो खाना है, वो सारा लेके एक ही दफ़ा आ जाऊँ। रोज़ बा रोज़ शॉपिंग नहीं होती ना, मैं एक ही दफ़ा वीक में ना शॉपिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर, अगर बड़ी मार्केट में तो चीज़ रियायत मिल जाती है ना, तो अगर हमें कोई चीज़ लेनी, नीचे बकाले हैं ना, छोटे बकाला बोलते हैं अरबी, जो ममालिक में रहते हैं उन्हें पता होगा, वैसे शॉप जो छोटी शॉपें होती हैं उन्हें, शॉप में से अगर छोटी शॉप में से कोई चीज़ लेना तो वो हमें महंगी देंगे, यहाँ से चीज़ सस्ती पड़ती है, और छोटी शॉप में से अगर बिल्डिंग के नीचे भी शॉप होती है छोटी, वहाँ से चीज़ लेना तो हमें महंगी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में तो मैं अक्सर बंदे देखे हैं, मतलब मेरी फैमिली, हमारी फैमिली में ऐसे ही होता था कि मतलब रोज़ शॉपिंग होती थी, रोज़ वेज सब्ज़ी है वो रोज़ आ रही है, टमाटर है वो रोज़ आ रहे हैं, सब रोज़ चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रोज़ आ रही हैं, फ्रूट्स भी रोज़ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं करते, हम तो वीकली शॉपिंग कर लेते हैं, ऐसे बंदा इजी भी रहता है, दिमाग फ्रेश। आप फ्रेंड्स बताएं आप कैसे शॉपिंग करते हैं, वीकली करते हैं कि रोज़ रोज़ करते हैं? मेरा तो यही कहना मानना है कि वीकली कर लो, मतलब जान छूटती है पूरे हफ्ते की। थैंक यू फ्रेंड्स।